रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको यामाटो वोइंग एक्चुएटर के बारे में बताऊंगा कि वोइंग वायर के जो कैलिब्रेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, किसी तरह से अगर ज़ीरो आउट हो जाए या वज़न में कोई कमी बेशी हो तो इसको किस तरह कैलिब्रेशन करते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे इस वीडियो में चैनल में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं दोस्तों कैलिब्रेशन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम प्रोग्राम के ज़रिए इसके लेवल फोर में जाएंगे। लेवल फोर में जाके दोस्तों ये देखें, ये इनिशियल कैलिब्रेशन की टैब को हमने ये प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। ये प्रेस करके फिर हमने ये ज़ीरो कैलिब्रेशन की टैब को प्रेस किया और ये सेलेक्ट एल बटन को प्रेस किया, उसके बाद ये स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। इस तरीके से हमारा ये तमाम बकेट जो हैं ये ज़ीरो हो गए, ठीक है दोस्तों। ये 14 बकेट हैं इस हॉपर पे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने एक एक पॉकेट को सेलेक्ट करना है। ये देखिए येलो कलर जो है इसका मकसद है कि ये पॉकेट नंबर 1 को सेलेक्ट किया, इसमें हमने वज़न 1 केजी रख दिया, 1000 ग्राम रख के स्टार्ट बटन को अपने प्रेस कर दिया। ये देखें एक नंबर हमारा दोस्तों ये कैलिब्रेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमने 2 नंबर पे जाना है। 2 नंबर पे जाने के लिए ये देखें 2 नंबर को प्रेस किया, 1 नंबर से हमने येलो कलर के जो टैब को हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से अब 2 नंबर पे हम वेट रखेंगे 1 केजी 1000 ग्राम, ठीक है दोस्तों। ये देखें ये 1000 ग्राम वेट अब 2 नंबर पर हम रख के इसे कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखें आप इसमें वेट जो है ये रख दिया हमने, ये देखें ये स्टार्ट बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये प्रेस किया तो इस तरीके से हमारा ये 2 नंबर बॉकेट ये कैलिब्रेट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमने 2 नंबर को कर लिया, अब 3 नंबर पे करना है। 3 नंबर को सेलेक्ट किया हमने, देखिए येलो कलर का माने है कि हमने पॉकेट नंबर 3 को सेलेक्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से 3 नंबर पे हमने ऊपर टॉप पे जो है इसका लोड सेल पे हमने वेट रखना 1 केजी, ये देखा रख के हमने प्रेस कर दिया, ये स्टार्ट बटन को प्रेस करना, ठीक है दोस्तों। आपने स्टार्ट बटन को प्रेस कर दिया, इस तरीके से आप देख लें ये हमारा जो है 3 नंबर भी हो गया। ये 4 नंबर पर हमने सेलेक्ट किया, ये 4 नंबर पॉकेट को देख लें दोस्तों, ये 4 नंबर को सेलेक्ट किया, इस पर हमने वेट रख दिया, ये स्टार्ट को प्रेस कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारे 4 नंबर हो गया। 5 नंबर चूँकि ख़राब है तो हमने इसको स्किप कर दिया, 6 पे चले गए। ये देखें दोस्तों 6 नंबर को हमने सेलेक्ट किया और 6 नंबर पे हमने देखें ये वेट रख दिया, ये स्टार्ट बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये देख लें इस तरीके से हमारा ये 6 नंबर भी कैलिब्रेट हो गया। अब 7 को सेलेक्ट किया हमने, पॉकेट नंबर 7 पे अब हम वेट रखेंगे। ये देखें वेट रख दिया हमने पॉकेट नंबर सेवन पर हमने वेट रख दिया, अब स्टार्ट बटन को ये प्रेस कर दिया। इस बटन को हमने प्रेस किया तो हमारा ये 7 नंबर भी कैलिब्रेट हो गया, ठीक है। 1 केजी से हमने इसे कैलिब्रेट कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमने 8 नंबर को भी करना है। तो दोस्तों मैं 8 नंबर तक करके दिखाऊंगा, 8 तक, क्योंकि बकिया अगर तमाम पॉकेटों को करूँगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ये देख लें कि इस तरीके से हमने बारी बारी तमाम पॉकेटों को हमने इस तरीके से 1 केजी के वेट रख के हमने इसे कैलिब्रेट करना है, ठीक है दोस्तों। ये प्रोसीजर आपने देख लिया, प्रोसीजर को आपने समझ लिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से और भी कैलिब्रेशन की वीडियो मैं अपलोड करूँ तो कमेंट बॉक्स पर आप इसे कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के इतना ही है।